बिफीर अल्लाम वरम्बरकूमी करता हूँ आप लोग खैर ये से होंगे आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ माय चैनल मैंने सबसे पहले कोशिश ये की ये मेरा व्यवरशिप ज़्यादा से ज़्यादा था इटली अम्बैसी से रिलेटेड तो मैंने सबसे ज़्यादा ये कोशिश की कि, कि जो बेसिक थे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इटली एम्बैसी इटली फैमिली वीज़ा से रिलेटेड तो वो सबसे पहले मैंने वीडियो सात दिनों में अपलोड की हैं आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया दिखाया अलहमदिल्ला मुझे इस बात की बहुत खुशी है आ, जो हुआ सो हुआ लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बहुत क्विक आया है बहुत जल्दी से आपने मुझे रिस्पांस दिखाया मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो अभी तक जिन जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे सोशल मीडिया के जितने लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंशन है फिलहाल मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है इंडिया में मेरा वीवरशि है इटली में मेरा वीवरशिप है, है अलहमद पाकिस्तान में बांग्लादेश में है बहुत अच्छे से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे बहुत दिली दिली खुशी हो रही है इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम में जैसे ही अब आ, मैं लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पर भी शेयर कर रहा हूँ लाइव सेशन भी मैंने थोड़ा सा वहाँ पर किया है तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़े लोगों की बजाय बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करें और शेयर करें इन श्रे मिलेगी तो आज की वीडियो में मैं इन शाला थोड़ा सा अपने आप इन जो टॉपिक्स में लेकर आ रहा था थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगा थोड़ा सा चेंज करूँगा अब मैं इस बात पर बहस करने जा रहा हूँ कि लोग आजकल मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें बाहर जाना है तो उससे रिलेटेड जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो हम के किस तरह बनाएँ तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा कि आसानी से जो है आप ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले तो आप डेफिनेटली आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप सबसे पहले ट्राई करें कि आप साउथ एशिया एशिया के कंट्रीज़ का विज़िट करें फिर मिडल ईस्ट जाएँ उसके बाद तर्की का अप्लाई करें तो फिर जाकर आप जो है यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर आपने अप्लाई करना है सोच रहे हैं पाकिस्तान से ऑन अरेवल वीज़ा है श्रीलंका का सिंपल सा आपने टिकट बुक करवानी है तो आप जो है श्रीलंका पहुँच सकते हैं इसी तरह दूसरा आपको तरीकाकार ये मैं बता देता हूँ कि अगर आप मलेशिया जाते हैं तो वो भी ऑन अरावल वीज़ा है आप वहाँ पर भी जा सकते हैं तीसरा कंट्री मैं आपको बता देता हूँ ऑन अरावल ही है वो भी थाईलैंड है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपना सोर्स ऑफ इनकम अच्छे से शो करवाना है तीसरा वे ये है उसके बाद आप जो है बहुत आसानी से वीज़ा जो है गल्फ़ कंट्री में से यू का मिल जाता है आप वहाँ पर जाएँ तो ये आपकी चार कंट्रीज हो गया पाँचवा कंट्री तुर्की इनका सबका अप्लाई करने के बाद आप तुर्की का अप्लाई करें तुर्की भी पाकिस्तानियों पर बहुत मेहरबान है इस वक्त तो आपको आसानी से वीज़ा मिल जाए और अगर मजीद आप ट्रैवल हिस्ट्री और इंटरव्यू एग्जिट किस्टम्स वगैरह लगवाना चाहते हैं तो आपको रिकमेंडेशन मैं ये करता हूं कि आप कतर का भी अप्लाई कर सकते हैं वो भी ऑन ऑनरावल है वो भी आसानी से आपको वीज़ा मिल जाएगा मीन्स के अगर आपके पास इतना सोर्स है इतने पैसे हैं तो आप इन छः कंट्रीज़ का अगर आप विज़िट करते हो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी उसके बाद करंटली जो है शंजन कंट्री में से जो वीज़े ओपन है जिनके विजिट वीज़ा वो वो स्पेन है ठीक हो गया उसके बाद स्वीडन आता है या जर्मनी आता है लेकिन इन सब की इश्यूज़ चल रही हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड तो मैं रिकमेंडेशन आपको यही करूँगा कि आप जो है स्पेन के लिए अप्लाई करें जब आप स्पेन के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपने आपको पता है जनवरी फरवरी दोनों की जो अपॉइंटमेंट्स हैं रिलेटेड टू विजट वीज़ा वो सारी की सारी स्टैम बुक हुई हुई हैं तो आपने क्या करना है आपने सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट्स को बुक करना है उसके बाद आपने टिकट रिजर्वेशन होटल बुकिंग करनी है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लास्ट सिक्स मंथ की आपने लगानी है इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हो एन टी एंड टैक्स रिटर्न एफ बी आर लगाने अगर आप जॉब करते हो जॉब अगर आप करते हो तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर जॉब ऑफर लेटर और अगर जो तो छुट्टी आप मनाने जो जा रहे हो वो अपने ऑनरों को कहीं कि एक सर्टिफिकेट दे दें जिसके ऊपर वो मैंशन कर दें कि हाँ मैंने को इजाज़त दिया ये जा सकता है उसके बाद आपने जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म खुद नहीं फिलअप करना आप डीसी चले जाना वो आपको फिलअप कर देंगे आ, हाँ अगर तो आप ए, कहते हैं कि हम आपकी असिस्टेंस करें आपको कंसल्टेंसी कर आपको प्रोवाइड करें रिलेटेड टू फाइल प्रिपरेशन तो आप हमसे रहा कर सकते हैं ये स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहे हैं आप हमसे रहा करें इनशाला आपकी बेहतरीन हम कंसल्टेंसी कर करेंगे तो ये होगी बात इसके बाद आपने जो है अप्लाई कर देना है तो इनशाला जब वो आपके पास जब उनकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा सिटीज़ की इतनी ज़्यादा कंट्रीज की जाएगी छः की तो मैं आपको ग्रंटेड कहता हूँ इन वो जो है वीज़ा ऑफिसर आपको जो है वीज़ा दे देंगे अब आपके जेन में क्वेश्चन आएगा कि वीज़ा हमें क्यों देगा वीज़ा इसलिए वो देगा उसे पता चल जाएगा ये मुख्तलिफ़ कंट्रियों में गया है छः मुख्तलिफ़ कंट्रियों में इसने विज़िट किया है और ये जैनवन तरीके से जो इसने प्लान बताया था उसी प्लान में वो वहाँ पर गया उस उसी तरह ये वापस आया है और इंड आउट की एफ आई ए की जो स्ट्रम्स वगैरह वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंशन है तो ये चीज़ें जब उसके नज़र में आएँगी तो डेफ़िनेटली वीज़ा मिलेगा इसी के साथ साथ आप अपने पासपोर्ट के जो वीज़ा स्टिकर्स हैं वो लगाएंगे ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी इन एंड आउट की जो एयरपोर्ट पर जब आप किसी के कंट्री में जाते हो वहाँ की स्टैम्प वापस आने की स्टैम्प जब वो वहाँ पर मेंशन होगी तो अच्छी खासी वो बड़ी हेल्दी एक वाई फाइल बन जाएगी तो आप जो है उसके लिए अप्लाई करोगे तो इन ज़रूर ज़रूर वीज़ा मिलेगा अगर तो आपका प्लान ये है कि के आप कैनेडा का या यूके का अप्लाई कर सकते तो सेम इसी प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हो तो इन आपको उनका भी वीज़ा मिल जाएगा देखा मैंने आपको बड़े ब्रीफली बड़े बड़े अच्छे तरीके से बड़ी शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी आप जब प्रॉपर तरीके से किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो कंसल्टेंसी लेने तो वो बड़े ऐसा 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 ये चीज़ें आपको बताता है और अच्छी खासी हेल्दी अमाउंट वो लेते हैं तो डेफिनेटली ये उनके राइट्स हैं जो जिस तरह मर्ज़ी लोग डील करें मैं इस पर कभी एतराज़ नहीं उठाऊँगा जिसना मर्ज़ी वो डील करें लेकिन ये फ्री ऑफ कास्ट मैंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है मुझे यकीन है मेरे पास अभी आप कह सकते हैं मेरा जो मेन चैनल था उस पर मैंने वीडियो बड़े प्रॉपर तरीके से बनाई हुई थी स्पेन वीज़ा की तो मज़े की बात यह है कि वो बंदा फैसलाबाद का था उसने सारी फाइल ख़ुद ब खुद तैयार की थी जिस दिन की अपॉइंटमेंट थी वो अपनी फाइल की सबमिशन करवाने से पहले उन्होंने मेरे ऑफिस में विज़िट किया है हमें बड़े मज़े से उन्होंने मुझे एक आप कह सकते हैं गिफ्ट भी दिया और गिफ्ट देने के बाद वो जो है जाकर फाइल जमा करवाए और जमा भी हो गई उन्होंने बड़ा अप्रीशिएट किया कि आपने बड़ी सच्ची खरी और सुथरी बातें की थी मैंने सिर्फ आपकी वीडियोज देखी थी और उन वीडियो को देखने के बाद मैंने फाइल प्रिपेशन की है तो मैंने दिल से आपके लिए ये जो है एक गिफ्ट मैं दे रहा हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी के शुक्र है कि हमारी बात भी किसी किसी ना किसी तरीके से अच्छे वे में आपकी तरफ जा रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है अच्छी बात को आगे शेयर करना भी एक सदका है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि ये जो हेल्थी आप इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुँचें और लोग इससे फ़ायदा उठाएँ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़